हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपको दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता मिनास, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषि वर्ल्ड में। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत ही बेहतरीन, रख रहे हैं अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस आज हम दोबारा से आ गए आपके लिए बहुत ही जबरदस्त करण ओजला के गाने के ऊपर रिएक्शन लेके, और गाने का नाम है अनरिचेबल। तो करण ओजला के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया इनके जितने भी गाने सबके ऊपर रिएक्शन कर दिए, और ये एक गाना बचा था अनरिचेबल जिसके ऊपर हमने रिएक्शन कर दिया। मतलब आपकी रीच से बाहर, इनकी कोई रीच नहीं है, तो उसका नाम है अनरिचेबल। तो करण ओजला जब भी आते ना कोई तबाही लाते हैं, हर बार ये बात बोलते हैं, क्योंकि इनका गाना सुन के ना आत्मा तृप्त हो जाती है, दिमाग की पांचों इंद्रियां खुल जाती है कि भैया ऐसा भी कोई बंदा लिख सकता है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं इनके गाने पे रिएक्शन करना चाहूंगा, बाकी की बात करूंगा गाने को देखकर। आप कुछ कहना चाहते हो तो बता दो। मैं भी गाने को देखना चाहूंगी कि गाने में करण ओजला ने क्या कहा है, और गाना जो ना बिल्कुल लास्ट गाना है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबरों की जो डिमांड है और वो पूरी कर दिया, और देख लेना अपने गाने को। बाद में ये नहीं कहना कि हमारी डिमांड पूरी नहीं करी है, हमने आपकी डिमांड पूरी कर दी। और गाना देखते हैं, गाना देखने के बाद फिर हम उसको रिएक्शन करते हैं कि गाना में क्या बोला है। तो यार सबसे पहले बताता हूँ, अगर आप यहाँ तक, अगर आपने नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो करण ओजला के जितने फैन है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो ऐसे आपके बताए गाने पे रिएक्शन देते रहे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, उससे क्या होगा हम आपके बताए गाने पे रिएक्शन जरूर करेंगे। तो बिना किसी तरीके गाना स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मेरे बारे तेरे कुल दस दा ब्रीफ च, शरीफ नहीं मैं तेज जिमें नशा हुंदा कीफ च, नी तेनू कुड़े किन्नी वारी आखिया है, बिलीव मी या लीव मी, नी लीव मी अलोन कुड़े, कितनी बार बताया विश्वास कर मुझे मत छोड़। गल सुन साडे कुड़े ते काले काले माल अख लाल जमा मौते करी, मैं जी मैं नरचना गरीब, मैं नसीब मेरे काले जिमे रात दा सवाल जी दा कोई नहीं। क्या बात है, नी मेरा तक बाप जेड़ा किसे नु नी याद, मैं कमीना सर्दी दा मीना, अभी पसीना कपज लीना, बिगड़े ही रहनगे कुड़े नी, असी दस के तुरे नी, ताही करे नी मुड़े नी, गल सुन ला कुड़े नी, कोई सेफ नहीं उरे नी, इत्थे पिट्ठ च छुरे नी, सारे यार ने बुरे नी, मेरा इक शिया एम बेबी एम नेम बेबी नेम, ना आई डोंट वांट नो फेम बेबी नेम बेबी नेम, साले खेड़दे ने गेम हुंदा किथे सेम, खेड़दे ने गेम क्योंकि हुंदा जे तू करी ना प्यार, फिर ना मार क्योंकि एडा सौखा पट्टिया नी जाना तेरा यार नी, तू लै बुते सवार, मैं फरारी ते फरार, मेरी इन्नी का इन्नी की औकात है, उना दी औकात विचों बाहर गोरी नी, मेरी इन्नी की औकात है, उना दी औकात विचों बाहर गोरी नी, मेरी इन्नी की औकात है। हां ये बंदा औकात के बाहर है, कुड़ियों का प्यार है, गोदी में बैठी हसीन एक नार है, त्रिपंगार है, ओजी स्टेटस से कोट करार है, रहता ये जमुना के पार है, हाथों का शहर इलाका खूंखार है, बस्ते में मनी और असला, फीचर का रेट है 10 लाख, 10,000 का पर्दा है, हाथों से लिखा एक जो अल्फाज, ऊंची आवाज नहीं बर्दाश्त, रैपर नहीं मेरे आसपास, दिल्ली के लौंडे हैं कुत्ती फरम, नोश ना लेंगे मांस वास, इफ यू से फक मी फक यू टू, तभी बात करूं जब थोड़ा फोन क्लू पर से यास, जब माइक पे थू टू, लड़कियों पे जादू करूं वूडू, मेरे हुड में एवरीडे प्यू प्यू, तक संगठन मेरा क्रू क्रू, हेटर्स लिख करे कू कू, अनरीचेबल हमें ढूंढ तू, चेक कर मेरी न्यू कूप कोई दिखे ना, इन रिव्यू वी डोंट डू व्हाट दे डू, द बेस्ट फॉर डिबेट क्यू से ऊपर एलिवेट, इसलिए करते मुझको हेट तुम, गली हैश कली मली पफ करी बस बस फूकू, क्या बात है ना, मेरी नहीं यारी देखी है दुनियादारी, माड़ी है मेरे ना आड़ी, निके दे मारो ना ताड़ी, कुटी दबा बिने चाड़ी, दुनिया भई है साड़ी, साड़ी मेरी साड़ी, I can do no missing you on the phone when I ring you, I can do no dining and I can go on no venues, private villas, we the killers, we the fillers, go go villas, चट्टा दे कुत्ता दे गुट्टा दे किन्ने दी Rolex Rolex proof, हाँ जी भाई, unreachable you know, unreachable, yes sir, इन्हीं की औकात है, उन्हाँ दी औकात विचों बाहर गोरी, नहीं मेरी इन्हीं की औकात है,
बहुत सेक्सी, इक्का इज ऑल्सो गुड, बहुत बढ़िया। सो यार गाइस गाना बहुत जबरदस्त था, बहुत अनरीचेबल, तो भैया मतलब आपकी रीच से बाहर, आप मुझे कुछ भी कह लो, मतलब आप गरीब कह लो आप अमीर कह लो, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता, मैं जो हूं ना वो मैं हूं, और मुझे अपने बारे में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। करण ओजला ये कहना चाहते हैं कि तेरी औकात से भी बाहर मेरी इन्नी की औकात है, मतलब मेरी जो औकात है ना वो तेरी औकात से भी बाहर है, मतलब बंदे ने इंडायरेक्टली अपने आप को बड़ा भी नहीं बताया और उस बंदे को छोटा भी नहीं बताया, वो कह रहा भाई मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास क्या है और मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार और बहुत चढ़ाव देखे हैं और अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े कांड करे हैं और बहुत बड़े बड़े कांडों से निकला भी हूँ, और जितने दुख दर्द मैंने देखे हैं वो तुमको पता भी नहीं है कि भाई दुनिया में जीना है तो करना क्या है। तो करण ओजला ऐसी कुछ बातें समझाना चाहते हो, और मजे की बात यह है साथ में अपने दिल्ली का लौंडा जमुना पार का भाई साहब इक्का इसके अंदर है, कहते ना दिल्ली के लौंडे हैं कुत्ती वरम, तो भाई अपन तो दिल्ली से हैं, फुल सपोर्ट है इक्का को यार, बहुत जबरदस्त रैप, बहुत जबरदस्त, बहुत ही शानदार, और ये बंदा अपने आप को एलैबोरेट में भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। बीच में करण ओजला ने भी कहा था कि मैं भी कमीन है एक नंबर का, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तू मुझे शरीफ मत आखी होगी, आएगा और चमकाएगा तो मैं चमक जाऊंगा, तो अगर तू मेरे पास आना तो ये सोच के आई हो, कभी कुछ उल्टा सीधा काम करेगा तो तेरा भाई भी एक नंबर का कमीन है। तो भाई इस बंदे में फुल स्वैग दिखाया, फुल ऑन गैंगस्टर सीन, बहुत जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन गाना, मतलब ओवरऑल इनकी पूरी एल्बम के गाने मैंने सुने ना तो मुझे करण ओजला के गाने जबरदस्त लगे, बहुत ही शानदार। लेकिन मैं तो मम्मी ये सरप्राइज होता हूँ, ये बंदा कैसे इतने सारे गाने लिख लेता है, मतलब हकीकत में ये बंदा गीतों की मशीन है, गीतों की मशीन है, सच्चाई है। तो गीतों की मशीन जब तक चलेगी नहीं तो हमें, हम भी नहीं गीतों की मशीन उसको कहेंगे, सच्चाई है। गीतों की मशीन तभी तो हम लोग कहते हैं कि एक बात को 18 बार वो बोलने की क्षमता रखता है, सच्चाई 18 बार क्या 18,000 बार बोलने की क्षमता है, बोल सकता है, क्योंकि वो बोल सकता है और वो लिख सकता है, अगर वो लिखता है तभी तो हम उसे गीतों की मशीन कहते हैं। और उसने वाकई में ये बात बोली है कि तेरी औकात से भी बाहर हूं मैं, और फिर मेरी औकात भी कुछ नहीं है, बहुत कुछ उसने बोल दिया, इतना कुछ बोल दिया कि तेरा बाप हूँ, और फिर उसके बाद बोला है कि तेरा बाप तो कुछ समझ से ना समझ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत कुछ, मतलब दोनों तरफ से एक तरह एक धारी तलवार नहीं, दो धारी दोनों तरफ चला है, कि अगर वो बोला कि मैं बहुत कुछ हूँ, और ये भी बोला कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, कि मैं मेरी पावर कुछ भी नहीं है, और अगर तू कहता है कि मैं तेरे से फन्ने का हूँ तो तेरे से फिर ज्यादा फन्ने का मैं हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इतना जबरदस्त कि मैं कोई बता नहीं सकती कि वो बंदे ने कितना अच्छा गाना गाया, और रैप बहुत अच्छा करा है, और जो दिल्ली का लौंडा और दिल्ली के लौंडे ने इक्का उसने और भी बेजा बेजा कर दिया है, मजा आ गया गाना सुन के, बहुत अच्छा लगा। और आई होप मैं अपने सब्सक्राइबरों को एक ही बात कहूंगी कि मेरे गाने, ये करण ओजला के गाने हमने फुल कर दिया, और फुल सपोर्ट करो हमारे को, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। तो यार आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ तक आ गए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबाना, उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी, और अगर आप चाहते हो मैं आपके बताया गाना भी रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, उससे क्या होगा हम आपके बताए गाना भी रिएक्शन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।